अमेठी से बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। डीपीआरओ कार्यालय में विजिलेंस टीम का छापा, डीपीआरओ श्रिया मिश्रा को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। शिकायत के बाद डीपीआरओ ने की छापेमारी, अपने दफ्तर में घूस ले रही डीपीआरओ गिरफ्तार। अमेठी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डीपीआरओ कार्यालय में विजिलेंस टीम का छापा पड़ा है। विजिलेंस टीम के छापे में डीपीआरओ श्रेया मिश्रा को घूस लेते हुए पकड़ा गया है। तो अमेठी से खबर है, डीपीआरओ श्रेया मिश्रा को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। शिकायत के बाद डीपीआरओ ने की थी छापेमारी, जिसके बाद दफ्तर में घूस ले रही डीपीआरओ को गिरफ्तार किया गया। अमेठी से बड़ी खबर आ रही है, डीपीआरओ कार्यालय में विजिलेंस टीम का छापा पड़ा है। छापे में डीपीआरओ श्रेया मिश्रा को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि सूचना के आधार पर विजिलेंस टीम छापा मारने के लिए वहां पर पहुंची थी। मौके पर रंगे हाथों अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। अपने ही दफ्तर में डीपीआरओ को घूस लेते हुए रंगे हाथों विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह जुड़ रहे हैं। जी राजवीर, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, अमेठी में ये जो मामला सामने आया है, डीपीआरओ श्रेया मिश्रा को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, विजिलेंस टीम ने छापा मारा है, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल प्रियंका, देखिए अमेठी में डीपीआरओ कार्यालय में बस थोड़ी देर पहले ही विजिलेंस टीम का ये छापा पड़ा है और ये छापा सफाई कर्मी की शिकायत पर पड़ा है। सफाई कर्मी ने विजिलेंस की टीम से संपर्क किया था लखनऊ में, जहां पर उसने बताया था कि डीपीआरओ वहां उनसे उनकी पोस्टिंग को लेकर 30,000 रुपए घूस मांग रही है। इसके बाद विजिलेंस की टीम एक्टिव हुई यहां से और वो सीधे अमेठी गई और रंगे हाथों जो डीपीआरओ है उनको घूस लेते हुए ये गिरफ्तार किया गया है। चूंकि लगातार विजिलेंस टीम इसकी रेकी कर रही थी, इस पूरे मामले की कई दिन से शिकायतें मिल रही थी, जो जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा है उनको थोड़ी देर पहले ही घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया और विजिलेंस की टीम इन्हें गिरफ्तार करके लखनऊ ला रही है। जी जी बिल्कुल राजवीर जी, अब इसके बाद इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी, जिस तरह से रंगे हाथों पकड़ा गया है, अब कानूनी आधार पर क्या पद छोड़ना पड़ेगा या फिर कहीं ना कहीं सस्पेंड किया जाएगा, क्या कार्रवाई हो सकती है आगे? बिल्कुल, देखिए जो कानून है वो यही कहता है, अगर किसी को रंगे हाथ अगर पकड़ा जाता है तो उसको सीधे तौर पर तो सस्पेंड किया जाता है, बाकी विभागीय जांच भी चलती है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, चूंकि विजिलेंस की जो टीम थी वो लगातार इस मामले को देख रही थी और जब शिकायत हुई थी, चूंकि शिकायत काफी दिनों पहले की गई थी कि लगातार उनको पैसा देने के लिए दबाव डाला जा रहा है उनके ऊपर, उसके बाद चूंकि ये जब विजिलेंस की टीम यहाँ पर गई, बकायदे उन्होंने उस महिला को पैसा दिया जिसने शिकायत किया था और पैसा देने के बाद जब उन्होंने पैसा पकड़ाया डीपीआरओ को, तो उसी समय वहां पे पूरी टीम, विजिलेंस की पूरी टीम मौजूद थी, वहां उसने रंगे हाथों इनको घूस लेते हुए गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें लखनऊ लाया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें तत्काल रूप से सस्पेंड किया जाएगा। जी बिल्कुल राजवीर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों को लगातार अमेठी से बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर डीपीआरओ श्रेया मिश्रा को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। शिकायत के बाद विजिलेंस की टीम अमेठी पहुंची थी, जहां पर रंगे हाथों 30,000 घूस लेते हुए अधिकारी को पकड़ा गया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक।